और पूजा कह रही है कि मैं आदमी से अब लौंडा सॉरी लड़का लगने लगा हूँ। लगा कितने साल का लड़का, कितने साल का लड़का लगा हूँ तो बताओ? 28 साल के 28 साल का लड़का लग रहा हूँ। ले बेटो स्टीम ले लो लो स्टीम। यार इसको अच्छा लग रहा है बता ये। अबे गुड्डू गुंडे देखना। ओ यार रात के 12:15 बजे देखो यार, और इसकी हालत देख लो, नींद इसकी आंखों में कहीं से कहीं तक नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और मिट्टू को ना फीवर हो गया है। ये 3-4 दिन से परेशान हो रही है फीवर से ना, सो कफ कोल्ड फीवर यही सब चल रहा है। तो बस हमने अभी इसको दवाई पिलाई है, उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मच्छर? हाँ यार, इसके चारों तरफ मच्छर घूमते रहते हैं पता है, बच्चों के आसपास घूमते ही हैं। बच्चों का ब्लड मीठा होता है ना, हमको नहीं काटता लेकिन इसको काट ही लेता है। अरे बच्चों की स्किन में होती है ना सॉफ्ट। यार जब बच्चों को फीवर होता है ना भाई, फीवर तो बच्चे को होता है लेकिन हालत जो मम्मी पापा की ख़राब होती है ना, वो बस हमें अभी पता चल रहा है। जब तक हम पेरेंट्स नहीं थे तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब ये बात अच्छे समझ में आ रही है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेके इतना पॉजेसिव क्यों होते हैं और क्यों इतना परेशान रहते हैं वो। हो गए तैयार तुम? कब तक आओगे? जाने का पता यार, आने का नहीं पता। यार ऐसे क्यों बोलते हो तुम, 10:30 बज गए देख रहे हो सामने। मैं लेट होऊंगा, मैं निकल रहा हूँ यार। फिर भी कब तक आओगे, नहीं आइडिया? नहीं आइडिया भाई, जाके कितना काम है वो नहीं पता ना, वो तो जाके पता लगेगा कितना काम है उसके हिसाब से। और मेरा मन है बाल कटवाने का, अगर मुझे टाइम अगर अच्छा, मैं निकल हाँ। पाया तो शायद मैं बाल कटवाने जाऊंगा। कैसे लग रहे हो तुम मांग निकाल के? कैसे लग रहा हूँ साइड की क्यों अजीब से लग रहे हो यार? इतना अच्छा लग रहा हूँ। हाँ तुमको अपने आप को खुद को लग रहा हूँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, तुमको ही मुझ में कमियां नजर आती है बस। देख अजीब से लग रहा है सही में, बाल अपने साइड की मांग मत निकालो ना। और कौन सी निकालो, बीच की मांग निकालो? बीच की मांग मत निकालो, कोई मांग मत निकालो। मांग जब बाल लंबे तो मांग निकलेगी निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा तो दोनों कटने वाला? मैंने इतना टाइम मतलब ये ऐसे तो अब तुम्हें ये बाल बुरे लग रहे हो यार, तुम्हें वो नहीं है समझ नहीं है लगता। हाँ मेरे को समझ नहीं, तुमको तो है ना। हमें तो पूरी समझ है। चलो अपने मिट्टू से बाय करूँ, मैं तो निकल रहा हूँ। चलो बाय बाय। बाय बाय। चलो बाय कर दो, पापा को बाय कर दो। हम मिट्टू और सर्दी आ गई ना हल्की हल्की, देखो मिट्टू अम्मा के साथ बैठ के धूप से क्या गया, धूप ले रही है। बाय पापा, बाय बाय, रोशनी आ गई। बाय बाय। देखो जब भी मिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए पूजा को आज फिर छुट्टी लेनी पड़ रही है। मिट्टू की तबीयत हाँ तबीयत ठीक नहीं इसलिए मेरे को आज छुट्टी लेनी पड़ी है। आई होप इसकी तबीयत आज ठीक हो जाए, अगर फिर भी थोड़ी सी ठीक नहीं हुई तो फिर कल मैं ऑफिस जाऊंगी। अभी स्टीम दिलवानी है मिट्टू को। बाय बाय। बाय पापा। बाय बाय पापा। ये देखो आज हमारा मिट्टू खा रहा है संतरा। बाबू वो तो खा लेते पहले, खा लो। नीचे मत गिराना, नीचे मत गिराना, खा लो संतरा खा लो। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? खा ले, जूस तो पी लिया, खा ले। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो जाएगा ही जाएगा ही, खा लो। ओए 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 कैसे लटका ले दोनों हाथों में। और तीसरा और दिख रहा है, उसको कैसे उठाऊं? टीम लेती नहीं था तो आज
पहली बार मिट्टू ने निप्पल से दूध पिया है और खुद से निप्पल से खुद से मिट्टू ने आज पहली बार निप्पल से दूध पिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये निप्पल से दूध पी लेगी तो फिर मेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। देखो वो खुद से पी रही है, खुद से पी रहा है बच्चा मेरा। पी लो बेटा, खेलना नहीं है, खेलना नहीं है खेलना नहीं है, दूध पीना। आओ पापा, पापा, आओ पापा, पापा, लो लो देखा गिराने लग गई। अब तो पी ले बेटा, गिराना नहीं है। तो यार मैं जा रहा हूँ आज आलम भाई के पास बाल कटवाने, आज टाइम लगा है तो सोचा यही काम निपटा दूँ, बहुत टाइम से जा ही नहीं पा रहा था आलम के पास। देखो हम डॉक्टर के पास आए हैं आज फिर से, और ये देखो इसको रजिस्टर चाहिए मैम का। ठीक है अच्छा आप कुछ क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मैम सर, क्या बोल रहे थे, पूछ रहे थे ना बात क्यों नहीं कर रहे हो, पूछ रहे थे ना बात क्यों नहीं कर रहे हो। बोलो। ये देखो इसको रजिस्टर चाहिए। राहुल आज ऑफिस में है तो मैं अकेले ही आई हूँ मिट्टू को लेके डॉक्टर के पास में। ऐसे ही करती है बताए। चलो चलो बस बहुत हो गया, अब सब समझ लेते हैं कैसे खानी है बेटा, वो समझ लेते हैं कैसे खानी है। ठीक है अब आप छोड़ दो, नहीं खानी, नहीं खानी इसने। चलो ये देखो मिट्टू खुद से खेल रही है, ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन खुद से फिर भी खेल रही है, कोशिश कर रही है। और इसके हाथ में इसका फेवरेट, ये इसका फेवरेट खिलौना है तो ये इसको नहीं छोड़ती है। ये देखो ऐसे ही कर रही है ये, अगर मैं इसको सुलाऊंगी ना तो सुलाते सुलाते भी ये आवाज निकाल रही है, तो मैं भी आ करती हूँ और ये भी ये वाली आवाज निकालती है। अब मैं चलिए इसको सुलाती हूँ, राहुल भी रास्ते में है बस पहुँचने वाले होंगे घर, और अभी देखो 9 बजने वाले हैं और राहुल अभी तक आए नहीं है। 9 बजने वाले हैं, राहुल अभी तक आए नहीं है, राहुल भी रास्ते में है और मैं इतने मिट्टू को सुला देती हूँ। मैं घर पहुंच गया हूँ और फाइनली हेयर कट भी ले लिया है और मैं लड़का बन गया हूँ और पूजा कह रही है कि मैं आदमी से अब लौंडा, सॉरी लड़का लगने लगा। कितने साल का लड़का, कितने साल का लड़का लग रहा हूँ, 28 साल का लड़का लग रहा हूँ। उसने एक, पूजा ने एक साल ज्यादा बता दिया है, मैं तो खुद को 27 का लग रहा हूँ। और मिट्टू की तबीयत कैसी है, कैसा बाबू, मैंने कहा ना मिट्टू की तबीयत कैसी है तो खुद कुछ बोल रही है, जैसे जवाब दे रही हो, जैसे कह रही है अब ठीक है। दिन में तो थोड़ा ठीक रही है इसकी तबीयत, बट मेन जो है ना वो रात को पता चलेगा, रात को कभी कभी वो करती है ना, मतलब 2 दिन से ना इसको रात को ही तबीयत खराब हो रही है। होप सो आज ना हो कुछ भी, आज ये ठीक रहे, आज आराम से सो जाए। मिट्टू
स्टीम ले रहे हो? ओ भाई साहब, स्ट्रीम ले रहे हो, स्टीम ले रहे हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बिट्टू तो इतनी फनी है ना यार, है तू तो इतना फनी है ना भाई, इतना फनी है ना भाई, इतना फनी बच्चा है ना ये। मम्मी देख, नहीं मुझे लेट रहा, चल मम्मी को वीडियो दिखाता है इसकी। बेटो स्टीम ले लो, ले लो स्टीम। यार इसको अच्छा लग रहा है पता। अबे गुड्डू गुंडे देख ना। ओ यार देख, ओए अच्छा है वो तो, इसलिए। रात के 12:15 बजे है देखो यार, और इसकी हालत देख लो, नींद इसकी आंखों में कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ भाई कोई इरादा है सोने का? ये देखो टाइम, देखो घड़ी में 12:15, और इसके हाल देखो। हम अभी अभी ऑफिस से आए हैं यार, और इसका सोने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मिट्टू सो जा भैया, हम भी सो जाएंगे। गुड्डा, ओ गुड्डे, ओ गुड्डे सो जाओ भैया प्लीज़, फिर हम भी सो जाएंगे। हाँ ये देखो, मिट्टू तेरे पे हंसी भी आती है यार मुझे। हैं? हाँ हंसी आती तेरे पे, पूछ रही है। हाँ हाँ हंसी आती तेरे पे, तेरी हरकतों पे जो तू करती है देख। हाँ अब ये खड़ा होना चाह रही है इस पे, अपने पैरों पे। तो चलो भाई, और ये देखिए पूजा जी का हाल, सबके हौसले पस्त है, क्योंकि वो उसकी भी तबीयत खराब हो रही है और मेरी भी खराब हो रही है। सबके हौसले पस्त है, सिर्फ एक मिट्टू ही है जिसके हौसले जो है बुलंद है अभी भी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।